भाई गलियों में से निकल रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोबारा से रेनोवेट हो रहा है। और यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लोग इतनी गर्मी में भी ना विंडो खोल के गर्मी में गाड़ी चला रहे हैं बिना एसी के, समझ में नहीं आ रहा है। पुरानी गाड़ियों में तो एसी नहीं है, कुछ ख़राब होते हैं, समझ में आता है। नई वाली गाड़ियों का भी वही हाल है। यही सेम चीज़ था कजाकिस्तान में भी, था उज़्बेकिस्तान में भी ऐसे ही था, कुछ अलग नहीं था। बट स्ट्रीट देखो मस्त लग रही है यार, तो साफ भाई क्या ही बताऊँ मैं, अलग ही मज़ा आ रहा है। जो ठंडी हवा आ रही है ना मेरे चेहरे पे, दिल खुश हो रहा है पेड़ की वजह से, और ये बगल में सी है उसकी वजह से भी है। मस्त यार, बट वी हैव ओके, यहाँ से पूरा व्यू मिल रहा है। देखो चलते हैं नीचे, एक ही चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज़ लग रही है हवा, ठंडी फील हो रही है चेहरे पे, पूरे बॉडी पे। धूप तो है नो डाउट, बट ठंडी हवा भी लग रही है, अच्छा लग रहा है। ये मुंबई में भी फील होता था, रिवर साइड पे आप जाओगे ना, जहाँ पे ओशन जो भी है उस तो साइड पे, तो ठंडी ठंडी हवा आएगी प्लस गर्मी जो लग रही है वो अलग। यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, बिल्डिंग मूवी की शूट हुई थी। तो आप सीधे चलते हैं फ्लेम टावर्स पे, उसके बाद से जो मैंने शॉपिंग मॉल बताया था वहाँ चलेंगे। और ये वो रखी है शोले वाली स्कूटर, डक रखा है किसी ने, ऐसे छोटे छोटे कैफे हर जगह पे दिए हुए हैं। जो अभी मैं यहाँ इस समय हम लोग देख पा रहे हैं ना, जो अभी आप वीडियोस में देख रहे हो जिस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है, ये थोड़ा बहुत आपको ना ऊपर अपने इंडिया में भी मिलेगा, हिमाचल चले जाओ, मनाली चले जाओ, तो थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और देखने में स्ट्रीट्स भी अच्छी हैं नो डाउट। मैं वापस घूम के जाऊँ या इधर जाऊँ, पता नहीं किधर जाऊँ, फ्लेम टावर्स तो नीचे ही मिलेंगे। कौन सा जाएगा, इधर चलते हैं, यही दिखेगा फ्लेम टावर्स के लिए। तो ये कैफे हैं, बाहर निकल आया, ये फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं। तो मुझे एक और अंडर पास यहाँ से क्रॉस करना है, और ये पीछे आप देख रहे हो ये फनिकुलर का है, यहीं से आप ऊपर जाओगे और ऊपर से फिर नीचे आओगे। अगर आपको फनिकुलर लेनी है तो देख सकते हो ना फनिकुलर। चलते हैं अगेन अंडर पास में, ये आगे दूसरी साइड पर क्रॉस करना है, उसके बाद ही हम जा पाएंगे फ्लेम टावर्स के पास। जितने भी अंडरग्राउंड पास बने हुए हैं ना, सब में ऐसे सिंगिंग चल रही है, एक एक बंदा वहाँ पर आर्टिस्ट बैठा अपना गाना वाना बजा रहा है, सन्नाटा नहीं मिलेगा। तो इधर भी जाना है पार्क की तरफ, यही जाएगा। ये पूरा कारपेट म्यूजियम है, उसका शेप भी देखो दिया हुआ है, देख रहे हो म्यूजियम विदाउट बॉर्डर। ये टिकट परचेज करने के लिए भाई यहाँ से स्कैन करो QR कोड को और ले लो। तो ये रहे फ्लेम टावर्स, देख रहे हैं पीछे से, हमें घूम के जाना पड़ेगा। सो ये जो भी आप देख रहे हो सामने फ्लेम टावर है, उसका जो अपोजिट में है मिनी वेनिस, और उसी के जो सामने है कारपेट म्यूजियम। ये कारपेट का ही पूरा स्ट्रक्चर भी इन्होंने बना रखा है म्यूजियम में, जैसा म्यूजियम वैसा, जिसका म्यूजियम वैसा उसमें लोगों ने स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ये मिनी वेनिस काइंड ऑफ है,
और उधर ही भाई पूरा सी साइड एरिया है जिसकी वजह से ठंडी हवा चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। यहाँ पूरा दिन बैठे रहा हूँ भाई, क्या ही बताऊँ मैं, ऐसा लग रहा था अपने यहाँ पे रिवर फ्रंट्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे कि अभी लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में गोमती साइड का जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, सो पब्लिक के लिए अच्छा हो जाएगा और बैठने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इवन दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी है, उसके जितने भी साइड के एरियाज हैं उन्हें भी कर देना चाहिए। बट पता नहीं यार कब गवर्नमेंट क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रहा सामने मॉल, ये मॉल घूमने के बाद से फिर चलेंगे आगे, थोड़ा सा ठंडा हो लूँगा, बहुत देर से गर्मी में बाहर हूँ मैं। फिलहाल आप मिनी वैनस को घूम लो, प्रोटेक्शन अभी धूप की वजह से पूरा सन्नाटा है, खाली पड़ा हुआ है। तो ये है पूरा मिनी वैनस, ये कुछ इंडियंस हैं जो गंडोला राइड ले रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, कम नहीं है, भरे हुए इंडियंस लोग हैं जगह जगह पे। इंडियंस हैं, चाइनीज़ आए हुए हैं, जो गंडोला राइड चल रही है। और ये सामने जो है आपको कारपेट म्यूज़ियम है, ये आपका कैस्पियन मॉल है, दिस वन इज़ द कैस्पियन मॉल एंड वन फेमस स्ट्रक्चर इज़ देयर, यू कैन सी इट इज़ अ काइंड ऑफ होटल। और ये पूरा वेनिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है गंडोला राइड के लिए, जो पूरा पाथ क्रिएट किया गया है, ये उधर से होते हुए जाएगा एक पार्ट, ये भी पूरा घूमते हुए उधर से नीचे से आ रहा है। और अभी लोग यहाँ से निकलेंगे, साइड में अगर दिख रहा हो तो वो कैफ़े है, आप वहाँ पे बैठ के खाना पीना कर सकते हो। तो कुछ इंडियन लोग हैं, पेड़ भी देखो अच्छे लग रहे हैं बीच में जो लगे हुए हैं, ग्रीनरी जितनी भी है भाई, इतनी गजब हवा चल रही है ना जिसकी कोई बात ही नहीं, मत करो। एक और देखो गंडोला, ये भी इंडियन, वो भी इंडियन, इंडियंस को पूरा वेनिस का पूरा मजा चाहिए। सो उधर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, चलेंगे हम इस साइड पे। भाई पानी बहुत मस्त होगा, ठंडा, मन कर रहा नहा लूँ इसमें, ज़्यादा गहरा नहीं है जो मुझे दिख रहा है हाइट के हिसाब से, पता नहीं गहराई हो सकती है पानी में, आप गहराई ऐसे जज नहीं कर सकते हो रिफ्लेक्शन की वजह से, बट नहाने का बड़ा मन कर रहा है यार ठंडे पानी में। सामने प्रोमिनेट एरिया है, चलते हैं प्रोमिनेट पे, उसके बाद चलेंगे सीधे मॉल के अंदर। मॉल की आपको थोड़ा बहुत झलक दिखा दूंगा कैसा है अंदर से। इस पर बैठना मना ना, इस पर बैठना मना है, देखो सिटिंग एरिया सबके लिए बना रखा हुआ है। आज 1 तारीख है और कल 2 हो जाएगी, कल देखो मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ, नहीं तो मैं चला जाऊँगा गोबत्सन की तरफ पीछे। 3 तारीख और बचेगी, 3 तारीख मतलब 2 दिन और मेरे पास है एक्सप्लोर करने के लिए, 2 और 3 तारीख, क्योंकि 4 को मॉर्निंग में मुझे जाना है यहाँ से। और एक अभी बिल्डअप हो रहा है नया, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो ये है पूरी आपकी कैस्पियन सी, सूख रहे गर्मी की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, इससे ज़्यादा गर्मी मेरे तो देखा जाए तो इंडिया में, उसके बाद इतने होट नहीं सूखते जितने मेरे यहाँ पे सूख रहे हैं। इतना मैं चल भी चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चला नहीं हूँ, पहली बार चल रहा हूँ। पानी भी मैं 1 लीटर पी चुका हूँ ऑलरेडी, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, भरना पड़ेगा नहीं तो दूसरी बॉटल लेनी पड़ेगी, 2 मिनट जाएंगे फिर से, यानी कि 100 रुपये। सो मैंने कैलकुलेशन लगाया था मोटा मोटा कि आपका दिन भर का खाना कितना जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ आपका सुबह और शाम का मिला के जाएगा मोटा मोटा। और अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें सुबह दोपहर शाम का मिला के, तो 500 रुपीज़ पर डे का आपका खर्चा होगा, अगर वो खाना है पीना है ढंग से तो 500 रुपये के हिसाब से आप सोच लो। और अगर मैं 4 दिन रुक रहा हूँ 500 रुपये के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2000 सिर्फ खर्च होंगे मेरे खाने में, और 1400 रुपये का स्टे, 3.5 हज़ार में घूम के आराम से वापस। तो भाई ये रहा देखो, कुछ यूनिक ही स्ट्रक्चर है ना मॉल का, कुछ यूनिक होना भी चाहिए। अगर आपको
अपनी कंट्री को थोड़ा सा अलग दिखाना है, कुछ करना है, तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। उसको डेनिस मॉल भी कहते हैं, जो कि आप उसमें गूगल पे देखोगे उसका नाम है कैस्पियन मॉल, जस्ट बिकॉज ये कैस्पियन सी के एकदम बगल में बना हुआ है। मॉल की एंट्री देखते हैं भाई, यहाँ कोई टोकता है नहीं टोकता है रिकॉर्डिंग को लेकर। एंट्री है, चलते हैं अंदर। ये स्लाइड है, अगर फ्री होगी तो करूँगा, देखते हैं। ये पूरा मैप बना हुआ है इसका, सो देख लो भाई कैसा है अंदर से। आधे रुपये यहाँ पर कार ही दिख रही है, वॉशरूम जाना पड़ेगा मेरे को फ्रेश होने के लिए। सी ब्रीज रिजॉर्ट, ये जितना पार्ट बना हुआ है ये आपको बाकू के टॉप में और राइट साइड में आपको मिलेगा बना हुआ, जो मैप में है। जब नीचे बाकू है ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे आपको सी साइड का आइडिया मिलेगा, वो है जो बनाया हुआ है। वो रहा वॉशरूम, डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे है। दो तीन कार के शोरूम थे यहाँ पे, ज़्यादातर कार ही कार बेच लो मॉल पे, शॉपिंग करने आएंगे लोग मॉल में सीधे सीधे कार खरीदने के लिए। RD कॉस्मेटिक्स, ओके वो रहा वॉशरूम का डायरेक्शन। ये ब्रावो दिख रही है ना, ब्रावो मार्केट, ये आपकी ग्रॉसरी चेन है, आपको यहाँ मिल जाएगी मोस्टली, दो तीन शॉप बड़ी बड़ी हैं ब्रावो के नाम से। बिग बाज़ार काइंड ऑफ है, और कौन से अपने इंडिया में, स्पेंसर था, बहुत सारे थे, कुछ वैसे ही है इसका, बस स्ट्रक्चर ही बड़ा है, बाकी कुछ है नहीं, इतना ही है बस। मैं जहाँ से एंट्री किया था वो और ये एग्ज़िट है, देखो यहाँ से मैंने एंट्री की थी, जिसको स्लाइड करना है वो स्लाइड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ढूंढ रहा हूँ, कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा है, मैंने लिफ्ट पे पढ़ा नाम, वहाँ पे कहीं है ही नहीं नाम। फूड कोर्ट है, शॉपिंग का है, बस यही सब है। एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, मैक्सिमम तीन से चार फ्लोर है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सेंटर में ही जो भी है सो है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाहर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सिर्फ स्ट्रक्चर ही है, अंदर कुछ नहीं है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। सो ये बच्चों के लिए है गेमिंग जोन, एक कैफ़े है, ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में सब गेमिंग का ही भरा हुआ है भाई। 150 रुपये का टेट्रा पैक है, जो हम लोग 15 रुपये का जूस का पीते हैं, सोचो। एक ये है फूड कोर्ट, पाइजन, पाइजम पिज़्ज़ा के लिए है, अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो। और एक पैंगो है, पैंगो की जगह पे रामीज है, डोनेर है, एंड मैडो और मैकडी, मैकडी है, बर्गर किंग भी यहाँ पे, तो यू कैन ट्राई बर्गर किंग अगर आपको ट्राई करना है। KFC भी है, मैं फूड कोर्ट पे घूम रहा हूँ बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, फूड कोर्ट के बीच में। आई कैन ट्राई बर्गर किंग ट्राई करते हैं। ये रहा बर्गर किंग, ये रहा यार बर्गर का मेन्यू पूरा, देख लेता हूँ क्या ले रहा हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करके बताऊँगा आपको। तो मैंने अभी एक कॉम्बो लिया है, जिसमें ये ड्रिंक है, ये बर्गर है और ये चिप्स है, जिसके मैंने पे किए हैं 5.5 मनाथ 5.25 ऑलमोस्ट 250 रुपये मैंने पे किया, तो ऑलमोस्ट इंडियन रेट के हिसाब से ये कुछ अलग नहीं है, सिमिलर ही है। तो आप ये सब ट्राई कर सकते हो अगर आपको बाकी चीज़ें कॉफ़ी लग रही हैं तो। और ये करीब 300 ml है कोल्ड ड्रिंक का, तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ बाकी। तो भाई ऑलमोस्ट आ चुका हूँ मैं फ्लेम टावर्स के पास में, अगर आप देखो। सो ये रहा व्यू, ये व्यू पॉइंट है यहाँ का बाकू का पूरा। तो चलते हैं ऊपर, व्यू पॉइंट का थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे फ्लेम टावर्स पे।
यहाँ से प्रॉपर व्यू मिलेगा बाकू का। दिस इज द ओनली व्यू पॉइंट इन द बाकू। ओह माय गॉड, भाई गनीमत है, कम से कम हर एक जगह पे, हर एक स्टेप पे आपको रेस्ट करने के लिए बना रखा है, वहाँ बैठने के लिए, उधर बैठने के लिए, और सीढ़ियों में हर जगह बैठने के लिए बना रखा है। तो ये है पूरा व्यू फ्लेम टावर्स के पास में। ये रहा वो पूरा मॉल जो था बीच में, सर्कल वाला ही, बस उतने पार्ट मॉल में है। थोड़ा बहुत फोटोस वोटोस ले लेते हैं, देखते हैं। और ये रहा दुबई आई, उसके बगल में ही था, मैं गया नहीं। एक वो पार्ट आपको दिख रहा है, वो भी अरिना, लाइट अरिना है, लाइट शो होता है नाइट में। वीडियो जो मैंने आज कवर कर लिया है फिलहाल, आपका मड वॉल्केनो था, फायर माउंटेन था, ये पीछे आपका दिख रहा है फ्लेम टावर हो गए, और ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिया है। अब कल बचा हुआ, कल जाऊंगा गोबत्सन, तो वो कैसे जाना है वो आपको मैं पूरा बता दूंगा तरीका, जैसे मैं आज गया था। आपको अगर ट्रिप नहीं बुक करना है, कोई टूर नहीं बुक करना है, देन यू कैन ईजली गो, और रूट मैंने निकाल लिया है। सो 6 बजे मैं सोच रहा हूँ उठ जाऊँगा, और 7 बजे तक एनी आओ निकल जाऊँगा, देखते हैं कितना टाइम और लगता है निकलने में। सो एक आपका कैस्पियन मॉल हो गया, और कारपेट हाउस हो गया, कारपेट म्यूज़ियम हो गया, और मिनी वेनिस जो था वो कवर हो गया, और ये आपका फायर, ये आपके फ्लेम टावर्स हो गए, और बाकू आई हो गया। अब जो बचा हुआ है, कल मैं सोच रहा हूँ एक, अगर ये दिख रहा आपको तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रिल है, इंडस्ट्रियल ड्रिल है ऑयल एक्सट्रैक्ट के लिए, दुनिया की सबसे पहली जो बाकू में लगी थी। सो मैं ये जाऊँगा कल के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। ये अपोजिट साइड में है, सबसे पहले मैं वो अपना कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं वापस इधर आऊँगा ये करने के लिए। और छोटी मोटी जो चीज़ें बची हुई हैं वो, और एक म्यूज़ियम बचा हुआ है वो मिनिएचर बुक वाला, सो वो करेंगे। और कुछ ये था, मैं आज पूरा ब्लैक ब्लैक पहना था, कल वाइट हो जाएगा, तो कुछ मैंने ये एक्सप्लोर किया था, और यही था आज के पूरे वीडियो में। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।